हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा है? अगर नहीं देखा तो हम बताते हैं कि आपको ऐसा नज़ारा देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा और किस महीने में जाना पड़ेगा और किधर जाना पड़ेगा। बस कदुबन थोड़ा मेरे पास लौट लिया, घुमा के वापस इसको ज़ूम करके पड़ेगा आगे। जगह बहुत अच्छी है, रेनबो रेनबो इन द स्काई, कम एंड टीच मी हाउ टू फ्लाई, आई लव रेनबो। जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस ब्यूटी, ओ माय गॉड। देखो मतलब धुआं धुआं हर जगह और नीचे हरियाली, धुआं धुआं हो रहा है मगर कहीं तो है आग लगे। अरे वो ये आग लगाने वाला धुआं नहीं है, ये मौसम का धुआं है। तो हम बता ही देते हैं कि ये कौन सी जगह है। अरे रुको, जरा सब्र करो, बता देंगे। अभी वाइब्स सुनो नेचर की। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू सो द रेनबो। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सी द रेनबो इन हिमाचल प्रदेश। इट्स वाओ एंड इट्स ऑसम, वाओ, लव इट। देखो गौर से देखो, सात रंग के सपनों में मैं खो गई सजना। Wow, it's wonderful. So guys, now you can see the rainbow of Palampur. See, कुछ भी कर ले, the seven colors of rainbow. इसका payment तू ही करेगी video का. And see that. Oh my God. आज पहली बार rainbow देखा है मैंने हिमाचल में। Wow. बाथरूम में क्या दोस्त? ऐसे घुमा दो कैमरा। टॉयलेट करने के लिए। तो गाइज, आपको इतना तो पता चल गया कि ये हिमाचल का है, लेकिन हिमाचल में कौन सी जगह का है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो हम जा रहे थे बैजनाथ टेंपल देखने के लिए, और हम किस रास्ते से जा रहे थे ये भी हम बता देते हैं। हमने पहले करा था धर्मशाला एक्सप्लोर, तो धर्मशाला एक्सप्लोर करने के बाद हम धर्मशाला टू पालमपुर गए थे। बीच में आता है बैजनाथ टेंपल, मतलब धर्मशाला और पालमपुर के बीच में आता है बैजनाथ टेंपल, जो कि इस वीडियो में नहीं दिखाया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बैजनाथ टेंपल की वीडियो दिखाएंगे। तो गाइस, हम थे कार में, और इस नज़ारे को बिल्कुल करीब से देखने के लिए, रेनबो को बिल्कुल करीब से देखने के लिए हमने डिसाइड करा कुछ ऐसा स्टॉल या कुछ ऐसा रेस्टोरेंट हम देखें जिसको एकदम जैसे होते नहीं है पहाड़ी इलाकों में, एकदम एक डंडों के ऊपर एक स्टॉल खड़ा है चाय पीने वाला, तो हम वो ढूंढ रहे थे। तो हम जैसे ही धर्मशाला टू बैजनाथ टेंपल देखने गए, बीच में हमको राइट हैंड साइड पे एक स्टॉल दिखा था, और उस स्टॉल के अंदर हम घुस गए थे चाय पीने के लिए। वो बिल्कुल लकड़ी के ऊपर खड़ा था और रेनबो को हमने बिल्कुल नज़दीक से देखा था। तो ये स्टॉल आपको देखने को मिल ही जाएगा, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यही वो स्टॉल है जहाँ पे प्रियंका मैडम चाय पी के आई थी जब वो धर्मशाला गई थी। और धर्मशाला वो बैजनाथ टेंपल महादेव, हर हर महादेव हमारे शिव भगवान का वो मंदिर है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। उसका लुक बिल्कुल केदारनाथ जैसा है, 100% तो केदारनाथ वाला लुक नहीं है, बट फिर भी यू विल फील एज यू आर इन केदारनाथ व्हेन यू विल गो टू बैजनाथ टेंपल। तो आप जब भी धर्मशाला जाओ, पहली बात ये है, या पालमपुर जाओ, दोनों में से कहीं पे भी जाओ, आपको बीच में ये पड़ेगा बैजनाथ टेंपल, और वहाँ जाओगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। और बीच में जो आपको महादेव आपको जो ब्यूटी देखने के लिए देंगे, ओ माय गॉड, मतलब रेनबो, आपको धुआं धुआं, मतलब वो कोहरा, रेनबो, रेन वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये मंथ था आपको, मतलब हम गए थे 1 अगस्त को गए थे उस दिन। धर्मशाला तो गर्म था, जैसे ही मतलब धर्मशाला जो है वो थोड़ा ऊपर के पॉइंट पे है और पालमपुर है थोड़े नीचे के पॉइंट पे, तो जैसे जैसे धर्मशाला देखो, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी बहुत धूप था उसके अंदर, बहुत धूप था। ये उसी दिन की वीडियो है, अगले दिन की वीडियो है। जैसे ही हम धर्मशाला से क्रॉस करके पालमपुर जा रहे थे, बैजनाथ जा रहे थे, आप मान नहीं सकते हो कि वो धूप बिल्कुल पूरी तरह से चेंज होने लग गई थी, मतलब पूरा टोटली डिफरेंस, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाला डिफरेंस हमको देखने को मिला धर्मशाला में। इतना ज़्यादा धूप, और जैसे ही हम अपनी गाड़ी लेके वो नीचे उतरने लगे, पालम मतलब धर्मशाला थोड़ा ऊपर है, पालमपुर है नीचे,
तो जैसे ही हम नीचे 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 ऐसे उतरने लगे, लगने लगा मतलब पालमपुर के बोर्ड आने लग गए कि यहाँ से आगे जाओगे तो पालमपुर आएगा, तो जैसे जैसे हम क्रॉस करने लगे वैसे वैसे मौसम थोड़ा मस्त होना लगा, थोड़ा और मस्त होने लगा फिर धीरे धीरे हमको रेनबो दिखने लग गया, बारिश आने लग गई। और जैसे ही हम बैजनाथ टेम्पल गए तो बस कहना ही क्या, सब कुछ महादेव ने इस नेचर में ही हमको ब्यूटी दिखा दिया। अब सन सेट होने वाला है जैसे आप देख सकते हो, तो हम आए यहाँ पे चाय पीने के लिए। थैंक यू मैम, मस्त वाली गरम गरम चाय पियेंगे क्योंकि बारिश आ रही है। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, आई लव दिस प्लेस यार, लव दिस, लव यू पालमपुर। तुम तो गाड़ी से नहीं होता। तो गाइज यहाँ पे हुआ ये सीन था, जिस लड़के के साथ में आई थी वो ट्रैवलर था, और जो कि मुझे ट्रैवल बड़ी एप्लीकेशन से मिला था, एंड ही वॉज़ अ वेरी गुड गाय, अच्छा था लड़का तो। बट ये लड़का का एक ख़ास चीज़ बताती हूँ, मैं जहाँ पे भी जाती मुझे कहता, मतलब हर दुकान में जाके ये कहता कि ये यूट्यूबर है, गाड़ी इसकी है, मतलब मेरी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, जानबूझ के सबको ये कहता था मैं तो इसका ड्राइवर हूँ, ये गाड़ी इसकी है, बॉस ये है, ये आप इसकी वीडियो बना रहे हो, आप इससे पैसे ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, एक महीने के यूट्यूब से लाख रुपए कमाती है। ये जो अभी हमने चाय पिए थे ना, इस स्टॉल पे भी उस लड़की थी, लड़की को बोला ये प्रियंका यूट्यूब से 1,00,000 रुपये कमाती है, तो तू इसका वीडियो बना रही है तो भर पेट के पैसे ले, इस लड़की से तू जितना डिमांड करेगी दे देगी। तो मैं आपको बता देती हूँ यार, मेरी कोई इनकम नहीं है इतनी ज़्यादा यूट्यूब में, जो ऐसे लोग पता नहीं जो ट्रैवल बड़ी के लोग होते हैं और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं लड़की इतना घूमी जा रही है, कंटिन्यूस घूमी जा रही है, ट्रिप पे ट्रिप करी जा रही है, पता नहीं यूट्यूब से कितने पैसे कमाती है कितने नहीं, सब लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रम है। बट बहुत ही कम यहाँ पे मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन मेरे बहुत कम पैसे आ रहे हैं। तो इस स्टॉल में ना जो लड़की थी गोरी हिमाचल वाली लड़की, बहुत ही सुंदर लग रही थी, एकदम गुलाबी गुलाबी गाल, तो मैं जिसके साथ आई थी वो तो बिल्कुल उसके ऊपर फ्लैट हो गया, बिल्कुल उसके ऊपर ना लाइन मारने लग गया था, मुझे बार बार कह रहा था यार पटा दे, यार पटा दे, कुछ तो कर दे यार, नंबर मांग ले, तेरे को दे देगी ये, तू तो पैसे वाली है, इसको मैंने बोल भी दिया है कि तू यूट्यूबर है, करोड़ रुपये कमाती है, तू अगर अपना नंबर उसको देगी तो ये अपना नंबर तुमको दे देगी फिर तू मुझे दे दियो, मुझे इस लड़की का नंबर दे दे। भाई इतना लट्टू हो गया ये लड़का, इतना मैं क्यों, तू चुप हो या जूते मारूँ सर पर, फिर माना ही नहीं एकदम, कहता है नहीं मैं तो कार ही नहीं चलाऊंगा, स्टॉल में 10 चाय पी के जाऊंगा वरना मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को तो इस लड़की के नंबर चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए। मैं क्या, तेरा हो गया है दिमाग ख़राब, अभी सीन से बाहर निकल, इतना सौंदर्य सीन जो दिख रहा है इस सीन से बाहर निकल और अब हम चलते हैं आगे अलग डेस्टिनेशन पे। तो उसको भेजे में समझ में आया। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।